सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट भजन की वीडियो सुनने के। एक महेशमती नगरी थी, माहिष्मती नगरी थी, उसमें महीजीत नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए परंतु सब व्यर्थ गए। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को बहुत दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे। हे मुनि, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाएं जिससे उनके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में कंगाल और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी, जलाशय पर जल पीने लगा। वहाँ एक प्यासी गर्भवती गौ जल पीने आई, इसने उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है। और एक दिन वह भूख प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। संयोग बस उस दिन एकादशी थी, उसके प्रभाव से वह वैश्य तुम्हारा राजा बना और गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौओं का पूजन करना, उनको मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिठाई का भोग लगाना, उनका आशीर्वाद और पुत्रता। एकादशी का महात्मा एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत का रात्रि की कीर्तन किया। दूसरे दिन गौ का पूजन किया, जिसके प्रभाव से 9 महीने पश्चात राजा के यहाँ एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। फलाहार इस दिन गुड़ सेवा मिठाई का सागर लिया जाता है।